क्वेश्चन इज व्हाट इज रूटिंग मैडम बच्चे, रूटिंग है क्या आपकी, दिख रहा बच्चे आपको? रूटिंग का मतलब क्या है? व्हेन वी कंबाइन, पेन डाउन प्लीज, व्हेन वी कंबाइन टू और डिफरेंट फ्लाइट टू और डिफरेंट टू और डिफरेंट सेगमेंट्स इन डिफरेंट फ्लाइट बट इट हैज टू बी अंडर अलायंस, बट इट हैज टू बी अंडर अलायंस, व्हाट इज दैट? टीम बहुत ध्यान से समझना, एयरलाइंस ने अपने अलायंस बनाए हुए हैं, क्या बनाया है टीम? एयरलाइंस ने अपने अलायंस, अलायंस। अब क्वेश्चन है व्हाट इज अलायंस, अब क्वेश्चन है व्हाट इज ALLIANCE, अब क्वेश्चन है व्हाट इज अलायंस, अलायंस क्या मतलब क्या है? आयटा ने, आयटा के अंदर हमारे तीन अलायंस आते हैं, जैसे मैं बोलूं मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड होते हैं हमारे, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, तो मतलब मास्टर कार्ड इंडियन बैंक का भी होगा, मास्टर कार्ड एक्सिस बैंक का भी होगा, समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही हमारे अलायंस, हमारे दो मेजर अलायंस हैं, वन वी हैव स्टार अलायंस और यही से अपनी हम रूटिंग बनाएंगे आज, वन वी हैव स्टार अलायंस एंड वन वी हैव वन वर्ड अलायंस, एक तो हमारा है स्टार अलायंस, स्टार अलायंस ये मेरा अलायंस है, एक कैटेगरी का, एक कैटेगरी का नाम दे दिया गया स्टार अलायंस, टीम इज इट क्लियर टू यू आपको? एंड द नेक्स्ट वी हैव वन वर्ड अलायंस, वन वर्ड, एंड द नेक्स्ट वी हैव वन वर्ड अलायंस, इज इट क्लियर टू यू माई टीम? अब क्वेश्चन ये है कि स्टार अलायंस इन सब का मतलब क्या है, आपको मैं अभी समझाता हूँ, अभी क्लियर होगा आपको, एक हम सिस्टम पे कमांड करेंगे, बच्चे करो सिस्टम पे कमांड, जो मैं बोलूंगा वो आपको टाइप करना है, छोड़ दो इसको, एक हम सिस्टम पे कमांड करेंगे जी, ए करो, लिखो टाइप करो, ए, ए स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी, ए डालो डेट, जो मैं चीज बता रहा हूँ लिखोगे बिल्कुल डिफरेंट कमांड है टीम, ए डेट डालो जैसे 24th of October, 24 OCT अक्टूबर, अब दिल्ली से फ्लाई करना है आपने तो डालो DEL, अब दिल्ली से कहाँ फ्लाई करना है आपने, मान लो फॉर एग्जांपल आपको टोरंटो फ्लाई करना है टीम, तो डालेंगे YYZ, अब कमांड करेंगे, नया कमांड है स्लैश स्लैश, करो स्लैश स्लैश स्टार ए, व्हाट इज दिस, स्लैश स्लैश स्टार ए, पेन डाउन प्लीज, दिस इज अ कमांड, देखो बहुत ध्यान से समझना ये क्या चीज है आपकी, ए नॉर्मली आप क्या करते हो, आप एलियन डालते हो, मैं यहां पे एलियन नहीं डाल रहा हूं, स्टार ए का मतलब क्या टीम, स्टार अलायंस, स्टार अलायंस के अंदर आपकी बहुत सारी एयरलाइंस की कैटेगरीज गिरती हैं, स्टार अलायंस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो लुफ्थांसा हो गई, एयर कैनेडा हो गई, बहुत सारी एयरलाइंस हैं, उन्होंने आपस में ना एक फैमिली बना ली है, एक फैमिली बन गई स्टार अलायंस, जैसे पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हुआ था, कुछ लोग वहां चले कुछ लोग यहाँ पे आ गए, ऐसा हुआ था, टेल मी, यस सर, ऐसे ही आयटा का जो एयरलाइंस डिवीजन है वहां पे कुछ एयरलाइंस स्टार अलायंस की मेंबर है बच्चे, कुछ एयरलाइंस किसकी मेंबर है, स्टार अलायंस की, और कुछ बच्चे वन वर्ड अलायंस की मेंबर हैं, हम लोग इसके थ्रू अपना एक रूट क्रिएट करते हैं, टीम बहुत ध्यान से समझना, सिस्टम की सीटें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ टीम, सर सम वन जो वन वर्ड है उसकी भी मेंबरशिप नहीं ली हुई है कुछ ने उसकी भी ओके हेलो सर रिपीट कर सकते हैं थोड़ा सा ही, देखो क्या है बेसिकली आयटा के डिविजन्स हैं, आयटा के डिविजन्स तीन डिविजन्स हैं, अलायंस डिविजन्स जहां से हम रूट क्रिएट करते हैं, एक हमारा स्टार अलायंस डिविजन है, लिखो स्टार अलायंस डिविजन, एक हमारा वन, बच्चे समझ आ रहे हैं, एक हमारा वन वर्ड अलायंस डिवीजन है और एक मेरा है स्काई टीम डिवीजन, लिखो स्काई टीम, एस के वाई, सर क्या है, एक स्काई टीम, एस के वाई टी ई ए एम, स्काई टीम, ओके हमेशा बोलो
In IATA, read aloud with me. Mesa bolo sabhi. In IATA, we have three alliance. Bolo please. In IATA, we have three alliance. Wherein we can create a route. Jahan pe apna route create karenge team. Ek to hai. आप लोगों ने ना मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये रूटिंग कहीं इसकी कहीं इसके कुछ लिखा नहीं हुआ रूटिंग को कि जापान एयरलाइंस को आया हैनिडा ले जाओ इंडिया फिर वहां से निप्पॉन एयरवेज को घुमा दो. क्वेश्चन रेज किया था आपने. मेरा आंसर क्या था कि यस एज एन एक्सपर्ट हमें पता होना चाहिए और हम खुद करते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि नए नए मेंबर्स आ रहे हैं आईटा में, नए नए डिविजन्स बन रहे हैं, नई नई रूटिंग बन रही है. कैसे मैं एज एन एक्सपर्ट उसको विद, एक तो है कि मैं खुद बना रहा हूँ वो चीज, इज अ टाइम टेकिंग. जो चीज मैं खुद रूट बना रहा हूँ वो टाइम टेकिंग है. टेल मी एस एंड नो. यस एक मैं सिस्टम को इंडिकेट कर रहा हूँ कि यार मेरे को एक काम कर, जितनी भी स्टार अलायंस की जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको मिक्स करके फेयर बना. समझ आया टीम आपको बच्चे? क्योंकि हमारा काम ही बेस्ट, हमारा सबसे मेन काम क्या है, फेयर निकालने का काम है. मेन बेस्ट तो हम लोग एक कमांड करते हैं ए डेट. दिल्ली सेम वही है, ए फॉर अवेलेबिलिटी, डी फॉर डेट 24 अक्टूबर दिल्ली से गए. वाई वाई जेड है टोरंटो. वाई वाई जेड जो है बच्चे वो कनाडा में एक सिटी है टोरंटो. ए का मतलब डेट लिखो प्लीज. ए स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी, ए स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी. क्लियर हो रहा है? फिर हमारा डेट आएगा, आना ही आना है डेट. फिर जहां से हम डिपार्ट कर रहे हैं बच्चे क्लियर हो रहे हैं, और जहां को हम जा रहे हैं टोरंटो. कनाडा में जो सिटी है टोरंटो का कोड क्या है? वाई वाई जेड. ओके स्लैश स्लैश करना ही करना है, स्टार करना ही करना है. ए का मतलब क्या है? स्टार अलायंस की मेंबरशिप. ए का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस हो रही है आपको? ए का मतलब क्या है? स्टार अलायंस की आपकी जो मेंबरशिप है. टीम सबसे पहले एक्सक्यूज मी सर, सर जब अलायंस वाली कमांड देनी है तो डबल स्लैश डालना है या? हां जी वेरी गुड एक्सीलेंट. किसने पूछा क्वेश्चन? नवप्रीत सर. एक्सीलेंट एक्सीलेंट वेरी गुड इंटेलिजेंट. स्लैश यस, जब आप अलायंस की जब कमांड दोगे तो वहां पे डबल स्लैश करना ही करना है और स्टार करना ही करना है. समझ आ रहा है टीम आपको? यस सर. और फिर ए स्टैंड फॉर अलायंस. टीम बहुत ध्यान समझना, मैंने एंटर कर दिया. सिस्टम आपको जितनी भी मेंबरशिप्स हैं अलायंस के अंदर सभी का रूट बताएगा. पहला इसने दिखाया दिल्ली से बच्चे गए टोरंटो की ओर गए. ये देखो यहाँ पे क्या है, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock का टाइमिंग है. सवेरे 8:45 फ्लाइट पहुंची. एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट 187. ठीक है ये तो चलो डायरेक्ट फ्लाइट है. अब इधर आओ आप टीम, सातवें और आठवें सेगमेंट पे. टीम ये रूट आप अपने आप नहीं बना सकते हो, बहुत ध्यान से समझना टीम. देखो क्या होता है टीम, सातवें और आठवें सेगमेंट को आप पढ़ो. दिल्ली से गए फ्रैंकफर्ट. समझ आ रहा है टीम आपको? जी. 2:50 पे फ्लाइट चली वाया फ्रैंकफर्ट. लेकिन क्वेश्चन ये है दिल्ली से फ्रैंकफर्ट. अब देखो मैं आपको इस मैपिंग पे लेके जाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. आपको सभी को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है टीम? जी हाँ जी. बेसिकली क्या है, आईटा ने क्या किया हुआ, मैंने क्या बताया हुआ आपको, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरा स्काई जहां से आपकी फ्लाइट की रूटिंग बनती है. एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3. इस लोकेशन मेरा इंडिया है, मुझे पता है कि ये मेरा कनाडा है, ये मेरा कनाडा. क्लियर? अच्छा यहाँ पे ये मेरा यूरोप का पार्ट है. क्या है मेरा? ये यूरोप. यहाँ पे हम एक रूट बनाते हैं दिल्ली से गए फ्रैंकफर्ट. दिल्ली से हम गए टीम फ्रैंकफर्ट की ओर गए. हम एक रूट बनाते हैं, यहाँ पे हमारा सिटी है फ्रैंकफर्ट. समझ आ रहा है? फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी का सिटी है. समझ आ रहा है बच्चे? यस सर जी. तुम्हें आपका जर्मनी है. क्लियर? हम लोग यहाँ से गए दिल्ली से फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट से कनाडा. अब ये तो बच्चा भी बना लिया कोई बच्चे. प्लीज पीछे से म्यूट करना जहां से वॉइस आ रहा है. प्लीज रिक्वेस्ट आपसे. दिल्ली से गए फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से गए हम कनाडा. अब यहां से आप
एज अ रूल ऑफ द एयरलाइन मैं यहाँ पे लुफ्थांसा का फ्लाइट लूंगा. कौन सा फ्लाइट लूंगा मैं यहाँ पे? लुफ्थांसा. क्यों? क्योंकि लुफ्थांसा जो है जर्मनी का एयरलाइन है. अगर मैं वाया जर्मनी भेज रहा हूं तो मुझे जर्मनी का ही एयरलाइन लेना है. समझ आ रहा टीम आपको? देखो फ्रैंकफर्ट जो है ये जर्मनी, लुफ्थांसा जो है वो जर्मनी की एयरलाइन है. अगर मुझे एक रूट बनाना है कि मैं चलो एक रूट ले जाऊं, दिल्ली से गया फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से गया टोरंटो, बट नहीं, ऐसे फेयर सस्ता नहीं निकलेगा आपका. टीम लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मान लो यहां पे हमारा जर्मनी है टीम, यहीं पे हमारा एक एक कंट्री है स्विट्जरलैंड. क्या है हमारा टीम? स्विट्जरलैंड. बहुत ध्यान से समझना, स्विट्जरलैंड जो है आपका, उसका सिटी है ज्यूरिख. क्या उसका सिटी? ज्यूरिख. और उसका कोड है ZRH. Is it clear to you? Yes, sir. एक हमारा जर्मनी है कंट्री, एक हमारा है स्विट्जरलैंड. जर्मनी का जो सिटी है वो है फ्रैंकफर्ट और स्विट्जरलैंड का जो सिटी है वो है ज्यूरिख. तो आप करो दिल्ली से लेके फ्लाइट को स्विट्जरलैंड, मतलब किस फ्लाइट पे ले गए आप? स्विस एयर पे. स्विस एयर है वो वाया, वो वाया क्योंकि हर एक फ्लाइट अपना पहले सिटी टच करेगी. जैसे लुफ्थांसा जर्मनी का एयरलाइन है, दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से कनाडा. क्लियर? अब जो स्विट्जरलैंड है ज्यूरिख टच करेगी क्योंकि उसका सिटी है ज्यूरिख. तो क्या क्या जाएगी? दिल्ली से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से कनाडा. लेकिन ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बट यहां से फेयर का चीप करना, सस्ता करना, ठीक है वो हम करते हैं. क्या टेक्निक है कि जिससे अपना फेयर सस्ता करूंगा? सर जो IX है ये स्विट्जरलैंड नहीं, IX नहीं है, तो बाय मिस्टेक हो गया. LX क्या है बेसिकली? आपका जो LX है वो आपकी स्विस एयर का कोड है. ओके. का कोड क्या है? LX. और लुफ्थांसा कोड क्या है? LH. क्लियर होना बच्चे? यस सर. LX क्या है? लुफ्थांसा. LX क्या है? क्लियर होना टीम आपको? क्लियर टीम? यस सर. अब टीम मैं आपको सिस्टम पे लेके जाता हूँ. देखो सिस्टम क्या दिखा रहा है आपको. मैंने अलायंस डाला. 7th और 8th को पढ़ना बहुत जरूरी है. वो कह रहे हैं कि हम फ्लाइट पे गए, दिल्ली से फ्रैंकफर्ट पे गए, 24 साली पे गए, 2:50 पे गए, 7:40 पे गए. लेकिन एक बात बताओ, ये हमें फ्लाइट दे रहा है AC 9353. AC स्टैंड फॉर एयर कैनेडा. एयर कैनेडा. अब क्वेश्चन ये है टीम, एज अ रूल ऑफ आईटा, पेन डाउन प्लीज, एज अ रूल ऑफ आईटा एवरी एयरलाइन, पेन डाउन प्लीज, every airline touch his own city first. As a rule of IATA, every airline touch his own city first. Question ye hai team, to Air Canada kaha ki flight hai? Canada ki flight hai. Air Canada kaha ki flight hai team? Canada ki. Canada. तो फिर ये फ्रैंकफर्ट फ्लाइट. जब रूल है आईटा का कि हर एयरलाइन अपना सिटी पहले टच करेगी. अगर मैं टोरंटो दे रहा हूं टीम, नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फ्लाइट को एयर कनाडा पे दे रहा हूं तो क्या होगा? तो मेरी फ्लाइट डायरेक्टली कनाडा ही जाएगी ना पहले. तो क्वेश्चन क्या है, ये फ्रैंकफर्ट क्यों आ गई फ्लाइट? टीम दिस इज वी कॉल्ड एज, लिखो, दिस इज वी कॉल्ड एज कोड शेयर एग्रीमेंट. वी कॉल्ड एज कोड शेयर. कोड शेयर, कोड को शेयरिंग पे लेके आए हैं. सिस्टम आपको खुद कोड शेयर करवाएगा. आपको कोई कुछ नहीं करना कि आप खुद रूटिंग बनाओगे, नहीं. क्या होता है टीम, बहुत ध्यान से समझना, यहां पे लिखा तो एयर कैनेडा हुआ है, लेकिन टीम लिसन टू मी, हमने कमांड क्या डाली थी अभी? हमने कमांड डाली स्टार ए. कि स्टार अलायंस में जितनी भी आपकी एयरलाइंस आती है सभी का मुझे कॉम्बिनेशन बताओ. मान लो मैं एक कंपनी से बिलोंग करता हूं, ए स्क्वायर. क्लियर हो रहा है?
अब ए स्क्वायर के अंदर मान लो 25 एजेंट आते हैं, समझ आ रहा है टीम? तो आप कमांड डालो, एक तो खाली सिंपल आप ए स्क्वायर को सर्च कर रहे हो, एक कमांड डालो कि ए स्क्वायर के जितने भी एजेंट आप फैले हुए हैं पूरे इंडिया में, क्लियर, उनको दिखाओ, समझ आ रहा है आपको? ए स्क्वायर के सर, एक सेकंड बता रहा हूँ, वन बाय वन। स्टार ए का मतलब क्या है? स्टार अलायंस, स्टार अलायंस ने बहुत बड़ा कैप्चर किया हुआ है, स्टार अलायंस ने एक बहुत बड़ा, आज प्लीज अंदर आ जाओ, आप लेट हो गए आज, सेशन स्टार्ट, लोकेशन भूल गए, मतलब प्रॉब्लम, समझ नहीं आएगा आपको ना ऐसे। स्टार अलायंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, आपको रिकॉर्डिंग स्टार अलायंस का टीम मतलब क्या है, देखो सबसे पॉपुलर है, सबसे पहले हमें कमांड करेंगे ए, फटाफट लिखो आप ए, थोड़ा सा नहीं समझ आएगा क्योंकि काफी सेशन आगे निकल चुका है, रिकॉर्डिंग देखना आप एक बार में। ए स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी, क्लियर, डेट हमने डालने डाला है 24th of October। देखो हम लोग बात कर रहे हैं स्टार अलायंस की, स्टार अलायंस का मतलब क्या है, स्टार ए, स्टार अलायंस का मतलब क्या है कि जितने भी आपके अलायंस हैं वो आपके इस कैटेगरी में गिरेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 7th and 8th पे आप आओ, 7th and 8th सेगमेंट पे आप आओ, यहाँ पे क्या है बेसिकली एसी का 9353 फ्लाइट नंबर से अपने आप क्रिएट किया है। एज अ रूल ऑफ आईटा एयर कैनेडा तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते, टीम दिल्ली से फ्रैंकफर्ट फ्लाइट जा रही है, हम लोग क्या लेंगे, लुफ्थांसा लेंगे। हाँ जी सर, क्योंकि लुफ्थांसा जो है आपका वो जर्मनी का एयरलाइन है, लुफ्थांसा जो है वो आपका जर्मनी का एयरलाइन है। लेकिन वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो एसी 9353 है ना, देखो सिस्टम पे आप, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, आप ये एसी 9353 सर्च करते रह जाओ नहीं दिखाएगा आपको, जब तक आप यहाँ पे स्टार ए का कमांड नहीं डालोगे। स्टार ए के कमांड से क्या दिखा रहा है, उसने क्या किया, उसने बेसिकली क्या होता है आपका टीम, मैं आपको थोड़ा सिस्टम में समझाता हूं। देखो एक तो होता है हमारा प्योर फ्लाइट, एक हमारा होता है इम्प्योर फ्लाइट, क्लियर हो रहा है टीम? हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग लुफ्थांसा, अगर हम लोग लुफ्थांसा और एयर कैनेडा को मिक्स कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है, ये हमारी लुफ्थांसा और रूटिंग बनाने के लिए वी कंबाइन लुफ्थांसा प्लस एयर कैनेडा, लुफ्थांसा और जो एयर कैनेडा है वो स्टार अलायंस का पार्ट है। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? लुफ्थांसा जो एयर कैनेडा है वो स्टार अलायंस का पार्ट है। अब वन थिंग यू टू अंडरस्टैंड टीम, लुफ्थांसा क्या है LH, एयर कैनेडा क्या है AC, क्लियर? अगर टीम मैं मान लो फ्लाई कर रहा हूं कैनेडा के लिए, क्लियर हो रहा है टीम आपको? अब मुझे बताओ कैनेडा कहां पे है, एरिया वन, एरिया एंड एरिया थ्री, ये मेरा इंडिया की एरिया वन कैनेडा की, और ये मेरा फ्रैंकफर्ट है।
टीम अगर मैं यहां से अपनी प्योर फ्लाइट को लेके आऊंगा डायरेक्ट लुफ्थांसा लेके आऊंगा फेयर नहीं सस्ता होगा, समझ आ रहा है आपको? अगर मैं यहां से अपनी प्योर फ्लाइट को लेके आऊंगा फेयर सस्ता नहीं होगा, मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे इम्प्योर फ्लाइट को लेके आऊंगा, किसको लेके आऊंगा, इम्प्योर प्योर फ्लाइट को लेके आऊंगा। अब इम्प्योर फ्लाइट का मतलब क्या है टीम, इम्प्योर फ्लाइट का मतलब क्या है टीम, आप दिल्ली से उड़ाओगे लुफ्थांसा ही, आप दिल्ली से उड़ेगी लुफ्थांसा ही, बट हम कोड उठाएंगे एयर कैनेडा का, जैसा बोलो वी विल पिक डेल टू फ्रैंकफर्ट लुफ्थांसा, बोलो प्लीज, वी विल पिक डेल टू फ्रैंकफर्ट लुफ्थांसा, बट हम बैक ऑफ द माइंड लुफ्थांसा ही रहेगी वो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आपसे लड़ाई हो गई, क्लियर, मुझे आपसे सॉर्ट आउट करना, मैं आपसे डायरेक्ट सॉर्ट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के थ्रू सॉर्ट आउट करवा रहा हूं, समझ आ रहा टीम? सो दिल्ली से फ्रैंकफर्ट मैं लूंगा लुफ्थांसा ही, बट मैं कोड शेयर फ्लाइट उठाऊंगा एयर कैनेडा की, वो ध्यान से समझना, इन फ्लाइट लिखो प्लीज, इन फ्लाइट रूटिंग्स हमारी तीन टाइप की, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फ्लाइट नंबर, एक तो था हमारा टू डिजिट फ्लाइट नंबर, दो अक्षरों का फ्लाइट नंबर, ओके, एक होता है हमारा तीन अक्षरों का फ्लाइट नंबर और एक होता है चार अक्षरों का फ्लाइट नंबर। देखो प्लीज, इन एन इंटरनेशनल डिपार्चर, इन एन इंटरनेशनल डिपार्चर, इन एन इंटरनेशनल डिपार्चर वी हैव, in an international departure we have two digit flight, three digit flight and four digit flight, is it clear to you, clear ho raha hai aapko? International departure mein hamare teen divisions hote hain, two digit flight, three digit flight and four digit flight. ओके, जो टू डिजिट फ्लाइट है आपका, टू डिजिट फ्लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर फ्लाइट, क्या बोलते हैं उसको, प्योर फ्लाइट, क्लियर? जो थ्री डिजिट फ्लाइट है आपका, थ्री डिजिट, वो भी क्या होता है हमारा, प्योर फ्लाइट, क्लियर हो रहा है? लेकिन टू और थ्री जो है प्योर फ्लाइट है, यस, लेकिन जो फोर डिजिट फ्लाइट है वो हमारा क्या है, इम्प्योर फ्लाइट, वो हमारा क्या है, इम्प्योर फ्लाइट, इज इट क्लियर टू यू माय टीम? सो टू डिजिट फ्लाइट, थ्री डिजिट फ्लाइट एंड फोर डिजिट फ्लाइट, क्लियर हो रहा है टीम आपको, क्लियर? अब टीम अगर मैं यहां से फॉर एग्जांपल हम एक रूट क्रिएट कर रहे हैं, देखो मैं दोबारा इसको देके आता हूं, आइटन ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया थ्री एरियाज में, एरिया वन, पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है सेशन, आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी, एरिया टू, प्लीज पीछे से म्यूट करो जहां से वॉइस आ रही है, एरिया वन, एरिया टू एंड एरिया थ्री। एरिया वन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं हमारे, कनाडा एंड यूएस, कनाडा एंड यूएस। एरिया टू में क्या था हमारा, यूरोप, जहां से मैं रूटिंग निकाल रहा हूं, और ये लोकेशन मेरी इंडिया की है। मैं यहां से एक रूल है हमारा आईटा का, द रूल ऑफ आईटा इज एज अ रूल ऑफ आईटा, अगर मैं मान लो यहां से वाया फ्रैंकफर्ट फ्लाइट दे रहा हूं, ये मेरा फ्रैंकफर्ट है और यहां से मैं जा रहा हूं कनाडा, क्लियर, तो अगर मैं वाया फ्रैंकफर्ट दे रहा हूं तो मेरी जो फ्लाइट होगी वो होगी लुफ्थांसा, क्या होगी, लुफ्थांसा, क्योंकि लुफ्थांसा जो है वो जर्मनी की एयरलाइन है,
लुफ्तांसा जो है वो जर्मनी की एयरलाइन है जिसका कोड है LH। क्लियर हो रहा है बच्चों? लुफ्तांसा जो है वो जर्मनी की एयरलाइन है जिसका कोड है हमारा LH। क्लियर हो रहा है? बट अगर मैं यहां से प्योर लुफ्तांसा लेके आता हूं, प्योर लुफ्तांसा LH, और यहां भी LH पे ही जाता हूं, फेयर सस्ता नहीं होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है मेरा कि मुझे सीटें निकालनी है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं टीम, क्योंकि हमारा काम क्या है, क्लास खोलने का। जैसे मान लो क्लास है, मान लो क्लास होती है आपकी, इकोनॉमी क्लास होती है, डब्ल्यू क्लास, एच क्लास, के क्लास, एल क्लास। क्लाइंट को कुछ लेना देना नहीं है क्लासेस से, उसको तो फेयर सस्ता चाहिए, लेकिन एजेंट के लिए इस सिस्टम ने क्लासेस डिफाइन करी हुई है। क्लियर? मान लो डब्ल्यू क्लास का फेयर है 10,000 का, फॉर एग्जाम्पल, एच क्लास का फेयर है 5,000 का। क्लियर हो रहा है? आप जब प्योर फ्लाइट लेके आ रहे हो दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, प्योर फ्लाइट 3 डिजिट और 2 डिजिट फ्लाइट नंबर, दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से कनाडा। क्लियर? सॉरी, दिल्ली से फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट से कनाडा। आप जब प्योर फ्लाइट लेके आ रहे हो, फेयर आ रहा है डब्ल्यू क्लास का, और एच क्लास में सीटें नहीं मिल रही। लेकिन जब मैं इम्प्योर फ्लाइट लेके आऊंगा, क्या लेके आऊंगा, तो वहां पे एच क्लास खुली होगी। रूट वही है, फ्लाइट भी वही ऑपरेट करेगा, बट मैं किसी के थ्रू जा रहा हूं। इम समझ आ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ, आप सिस्टम पे लेके जाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हमने क्या किया टीम, मैं यहां पे दोबारा से कर रहा हूं ये एंट्री। अब देखो जो हम फ्लाइट लेके जा रहे हैं इंटर एयर कनाडा की, जी एक सेकंड पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो। सबसे पहले हम सिस्टम पे कमांड करेंगे, क्या करेंगे, ए टाइप करो, ए क्लियर, डेट मानो 24th of October 24 OCT हम लोग डालेंगे 3 लेटर कोड, ठीक है। दिल्ली से गए डालो DEL, कहाँ गए, हम लोग जा रहे हैं टोरंटो, मेन तो हमारा फ्लाइट है टोरंटो। क्लियर? तो डालो YYZ, डबल स्लैश करना ही करना है। ये बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक हमारा ना स्टार अलायंस होता है, स्टार अलायंस एक हमारा आयटा का बहुत बड़ा अलायंस है। वो उसमें क्या है, हमारी बहुत सारी एयरलाइंस की फैमिली बनी हुई है। जैसे मान लो आपने आज दिल्ली जाना है और आपके पास है स्विफ्ट गाड़ी, बट आपके अंकल के पास गाड़ी है इनोवा और आपकी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप उनकी गाड़ी लेके जा सकते हो, क्योंकि वो उनका आप जानते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, हम अपने जो पार्टनर्स हैं उनका प्लेन यूज करते हैं रूटिंग बनाने के लिए, कि यहां से उसका प्लेन जाएगा, आगे से किसी और पार्टनर प्लेन जाएगा। इज इट क्लियर टू यू टीम? हम लोग क्या करते हैं, एक कमांड लगाएंगे, ए अवेलेबिलिटी डेट जहां से जा रहे हैं दिल्ली से फ्लाई कर रहे हैं, कोड ऑफ टोरंटो, अभी टोरंटो सिखा रहा हूं, YYZ हम करेंगे स्लैश स्लैश, करना ही करना है। क्या करेंगे, डबल स्लैश करना ही करना है, स्टार डालो स्टार और यहां पे डालो ए। ए का मतलब क्या है, स्टार अलायंस, जो मैं स्टार अलायंस की बात कर रहा हूं। स्टार अलायंस एक बहुत बड़ा फैमिली है, उसके अंडर बहुत सारी एयरलाइंस गिरती है, उन एयरलाइंस के मिक्स करके हम रूटिंग बनाते हैं। मिक्स कहते हैं कि हम लोग प्योर और इम्प्योर को एड करेंगे, मतलब जहां पे फ्लाइट प्योर जा रही है वहां पे इम्प्योर लेके जाएंगे। कुछ कुछ कर समझ आया, एंटर करो। अब देखो टीम क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले इसने जो फ्लाइट दिखाई वो दिखाई डायरेक्ट दिल्ली से टोरंटो दिख रहा है। फ्लाइट चली आपकी रात को 3 बजे, मतलब अर्ली मॉर्निंग 8:45 पहुंची डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट फेयर ठीक है, दैट्स फाइन, बट मुझे सस्ता फेयर निकालना है वन स्टॉप के साथ, क्योंकि कोड शेयर फ्लाइट जो हम लगाएंगे, लिखो प्लीज, कोड शेयर फ्लाइट इज ऑलवेज अ वन स्टॉप फ्लाइट
code share flight is always a one stop flight. It cannot be direct. It can not be direct. टीम यहां पे बहुत ध्यान से समझना. आप देखो इस वाले सेगमेंट पे नाइन्थ और टेंथ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं. टीम सबसे पहले देखो दिल्ली से फ्रैंकफर्ट फ्लाइट गई नाइन्थ और टेंथ पे. देखो आप टीम सभी को समझ आ रहा है. टीम यहां पे जो फ्लाइट है आपकी दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट वो एसी 9353 फ्लाइट नंबर है. लिखो एसी कॉपी में लिखो एसी 9353 फ्लाइट नंबर. अब एसी 9353 फ्लाइट नंबर इन एन इंटरनेशनल डिपार्चर अगर आपका फ्लाइट नंबर 4 डिजिट का है इट मींस दिस इज इम्प्योर फ्लाइट. ये 4 डिजिट का है टीम दिस इज इम्प्योर फ्लाइट. अच्छा यहां पे देखो यहां पे सीट देखनी है आपको. 9 के वी क्लास में सीटें हैं. देखो क्या होता है ध्यान समझना. वाई क्लास लिखो वाई क्लास इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फेयर ऑफ द फ्लाइट. वाई क्लास जो है वो इकोनॉमी क्लास का सबसे महंगा फेयर है. क्या टीम सबसे महंगा फेयर है. क्लियर. अब इधर देखो Y के बाद B सस्ता B के बाद M सस्ता M के बाद U U के बाद H H के बाद Q एंड Q के बाद V. क्लियर हुआ आपको ये. देखो दिल्ली से फ्रैंकफर्ट सेम 250 740 बट ये जाएगा लुफ्थांसा का ही प्लेन. बट हम यहाँ पे जान के एशिया कोड शेयर उठा रहे हैं और ये मैं खुद नहीं कर रहा हूं. मैंने कमांड लगाई स्टार ए वाली कमांड और वहां पे सिस्टम ने इंडिकेट किया कि देखो अगर आप इम्प्योर फ्लाइट लोगे तो वी क्लास अवेलेबल है जो कि सस्ती है. क्यू और वी में क्यू महंगी है और बी सस्ती है. समझ आ रहा है आपको. कैसे पता लगेगा अभी एक्सप्लेन टू लेकिन अभी आपसे गैस करोगे. बी सस्ता फिर एम सस्ता सॉरी बी महंगा फिर थोड़ा सा सस्ता 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 बी सस्ता. क्लियर हुआ आपको टीम. सर जो ऊपर वाली फ्लाइट है जी उसमें एक और क्लास सस्ती है. रुको एक बार टिंकू जी लेट मी एक्सप्लेन. लेकिन अगर मैं ऊपर देखू सातवें सेगमेंट पे दिल्ली से फ्रैंकफर्ट आ रहा है ये प्योर जा रहा है तीन अक्षरों का. दोनों फ्लाइट सेम उड़ेंगी सेम ही बंदा उड़ाएगा सेम ही है. फ्लाइट डिफरेंट नहीं है ये सेम ही कार है ये सेम ही प्लेन है ये. लेकिन ऊपर देखो थ्री डिजिट में वी क्लास क्लोज्ड है. देखो वी क्लास बंद है ना. टीम टेल मी टीम. हाँ जी सर. लेकिन यहां पे वी क्लास है टीम. ये हमारी फ्लाइट वेरिएशन. अभी देखो मीटिंग खत्म होने वाली है दोबारा को लिंक भेजता हूँ. गिव मी 2 मिनट्स. बेसिकली वी हैव टू कंबाइन इन प्योर टू प्योर. दूध में पानी मिलाओ मार्जिन बढ़ेगा दूध वाले का.